अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एक टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन मैनी और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। हमारी बॉडी में कुछ ट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा जीन पेयर की ज़रूरत होती है, मतलब कि वो पर्टिकुलर फिनोटाइप एट अ टाइम बहुत ज़्यादा जीन्स से कंट्रोल हो रहा होता है और वो जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट होमोलॉगस पे ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल किया जा सके। प्रीवियसली हमने ये कहा कि हमारी बॉडी में एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी जीन के दो एलील्स मौजूद होते हैं। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स भी बेसिकली जीन ही होते हैं, लेकिन ये एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में एक जीन है जिसको हम कहते हैं जीन एच। तो इस जीन एच के ये दो एलील्स हैं, मतलब ये इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो हमारी बॉडी में ये एलील्स इस तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एलील्स इस तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये एलील्स इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक करेक्टर के लिए किसी जीन के दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय टू आर मोर नॉन एलेलिक जीन पेयर्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब हम इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये एक जीन पेयर हो और ये दूसरा जीन पेयर हो, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये एक जगह पर लोकेटेड हो, ये दूसरी जगह पर कहीं और होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हो, लेकिन फिर भी ये एक साथ काम करे और किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करे, तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और इस वाले जीन पेयर में से ये दोनों जीन्स एक दूसरे के एलील्स हैं और ये दोनों जीन्स एक दूसरे के एलील्स हैं, लेकिन ये जीन इसका एलील नहीं है और ना ये वाला जीन इस वाले का एलील है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं तो ये नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शंस होते हैं, एंड द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जिस इनहेरिटेंस से, जिस मेथड्स के थ्रू ये ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, तो उन इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड द जीन विच आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज पॉलीजीन्स या मल्टीपल फैक्टर्स या क्वांटिटेटिव जीन्स। क्वांटिटेटिव जीन्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स है तो उनका नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई। ईच एलील इन दीज जीन पेयर्स contributes a small increment to the total condition in such a way that effect are additive. For example, हमारी body में कोई character दो gene pairs से control हो रहा हो, दो gene pairs मतलब कि four alleles, तो उस character को control करने के लिए ये four members अपनी अपनी contribution देते हैं, अपनी अपनी addition कर रहे होते हैं, अपने आप को add कर रहे होते हैं, सारे alleles plus होकर, सम अप होकर उस करेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर कोई एलील बीच में से एब्सेंट हो जाता है, मतलब कि रिसेसिव में चला जाता है, तो उसका एब्सेंस, उस एलील की जो एब्सेंस है, तो उसकी वजह से फिनोटाइप नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे एलील्स मिलकर उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हमने समझा पॉलीजेनिक ट्रेट्स को, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को और पॉलीजीन्स को। अब हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दो तरह से हो सकता है। हमारी बॉडी में कुछ ट्रेट्स क्वालिटेटिव ट्रेट्स कहलाते हैं और कुछ ट्रेट्स क्वांटिटेटिव ट्रेट्स कहलाते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेट्स में डोमिनेंट एलील्स का नंबर नहीं इम्पॉर्टेंट होता, बल्कि उनकी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि डोमिनेंट एलील्स कितने नंबर में मौजूद होते हैं, मतलब उनकी अमाउंट कितनी है। अब इसको हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स को। जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं तो इनमें शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स आ जाते हैं, मतलब इनमें से ऐसे करेक्टर्स आ जाते हैं जिनमें क्लियर कट डिफरेंसेस होते हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, और जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं तो उनमें वेरिएशंस कम होती हैं। इसलिए हम इन ट्रेट्स को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट्स, क्योंकि इनमें वेरिएशंस कम आ रही होती है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल दें, ले सीड शेप ऑफ पी प्लांट, तो उसमें या राउंड हो सकता है या ब्रिंकल्ड हो सकता है, दो ही फिनोटाइप हो सकते हैं सीड के शेप के। ये जो राउंड है ये डोमिनेंट है, ब्रिंकल्ड रिसेसिव होता है। राउंड को दो डोमिनेंट एलील्स भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक डोमिनेंट एलील भी कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है
कि डोमिनेंट एलील्स का नंबर कितना है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो एक भी प्रेजेंट है तो वो कम्प्लीटली डोमिनेंट होकर उस दूसरे को रिसेसिव कर लेता है और करेक्टर को डोमिनेंट में ले जाने की एबिलिटी रखता है। तो दो ही फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं पी के सीड के शेप में। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट, तो उसके फ्लावर्स के कलर्स में 3 फिनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब उसमें 3 कलर्स के फ्लावर्स हो सकते हैं, या तो रेड होगा या पिंक होगा या वाइट होगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस वेयरिंग ट्रेट है। रेड को 2 डोमिनेंट एलील्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और पिंक जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता है। इसमें ये कैपिटल आर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है इस रिसेसिव आर के ऊपर, और ना ये रिसेसिव आर कम्प्लीटली सप्रेस होता है इस डोमिनेंट एलील से। इसलिए जो पिंक कलर है वो इंटरमीडिएट कलर आ जाता है इस रेड और इस वाइट के दरम्यान में, और जो वाइट है तो उसके लिए 2 रिसेसिव एलील्स मौजूद होते हैं। तो 4 o'clock फ्लावर्स के कलर में भी जस्ट 3 ही फिनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं, या रेड या पिंक या वाइट। और हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसके भी जस्ट 4 फिनोटाइप्स हो सकते हैं। ये भी एक डिसकंटिन्यूस वेयरिंग ट्रेट है, क्योंकि जो वेरिएशंस हैं वो 4 उनमें फिनोटाइप्स आ सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, इसके अलावा तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता है। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेयरिंग ट्रेट्स होते हैं और इसमें बहुत कम फिनोटाइप्स आ सकते हैं इन ट्रेट्स की वजह से। फिनोटाइप इज डिटरमिन्ड बाय एलील ऑफ जीन। यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो इस जीन के एलील पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक जीन है जिसको हम जीन आई कहते हैं, इसके 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं, ये एक पॉलीमॉर्फिक जीन होता है। तो अगर हमारी बॉडी में ये आई ए मौजूद होता है तो हमारे जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है उस आरबीसी के ऊपर वो एंटीजन ए की हो जाती है। अगर ये वाला एलील मौजूद होता है डोमिनेंट वाला आई बी, तो फिर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी बन जाता है। और अगर हमने 2 ये रिसेसिव आई लिए हुए हो तो हमारे आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो फिनोटाइप हमारी बॉडी में जो होते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी में एलील्स कौन से मौजूद होते हैं। तो ये हमने समझा क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में कि इसमें शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स आ जाते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ट्रेट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनमें जस्ट फ्यू ही फिनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम समझते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को। तो यहाँ पे अब अमाउंट इम्पॉर्टेंट होती है डोमिनेंट जीन्स की। जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स मौजूद होते हैं तो उतना ही वो करेक्टर वो फिनोटाइप शार्प इंटेंसिटी में जा रहा होता है, और जितना डोमिनेंट एलील्स का नंबर कम होता जाता है तो उस करेक्टर की उस फिनोटाइप की इंटेंसिटी भी उसी तरीके से कम होती जाती है। तो इन ट्रेड्स में वाइल्ड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स आ सकते हैं, बहुत डिफरेंट फिनोटाइप्स आ सकते हैं। वहाँ पे फ्यू फिनोटाइप्स आते हैं, यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स आ सकते हैं, और ये एक कंटिन्यूस वेयरिंग ट्रेट है क्योंकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा आती हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन हाइट है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हाइट में, वेट में भी वेरिएशन है, इंटेलिजेंस में, स्किन कलर में। ये गुड एग्जाम्पल है कंटिन्यूस वेयरिंग ट्रेट की कि हम कितने डिफरेंट कलर के स्किन कलर्स हम देखते होते हैं। तो ये जो वेरिएशन हैं तो ये डोमिनेंट एलील्स की वजह से हो जाते हैं, उनके नंबर्स की वजह से हो जाता है। एंड लेस डिफरेंसेस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स का मतलब ये है, अगर हम हाइट के करेक्टर को कंसिडर कर ले तो ये एक एक्सट्रीम ये है कि ड्वार्फ और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि टॉल। तो अब ऐसा नहीं है कि इस पूरी की पूरी आबादी में या तो ड्वार्फ मौजूद हैं लोग या टॉल मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि जो ड्वार्फ और टॉल के दरमियान में बीच की जो करेक्टर्स आ जाते हैं तो वो करेक्टर्स भी मौजूद होते हैं और उनमें लेस डिफरेंसेस होते हैं। मतलब जो हाइट है या स्किन कलर है इनमें डिफरेंसेस तो हैं, इनकी वेरिएशंस हैं, बट उन वो डिफरेंसेस कम डिफरेंसेस होते हैं, लेस डिफरेंसेस होते हैं उन वेराइटीज़ में। एंड फिनोटाइप इज डिटर्मिन्ड बाय एलील ऑफ 2 आर मोर डिफरेंट जीन पेयर्स कॉल्ड पॉलीजीन्स। जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं तो वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जो जीन पेयर्स हैं तो उनके एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो ये हमने समझा क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में कि ये कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेड्स होते हैं, इसलिए क्योंकि इनमें वेरिएशंस ज़्यादा होती है, बहुत डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, जिस तरीके से हमने हाइट, वेट, इंटेलिजेंस और स्किन कलर की एग्जांपल ली। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा कि जो दो एक्सट्रीम्स हैं तो उनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं और उन वेरिएशंस के दरम्यान में कम कम डिफरेंसेस होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। पहले हम वीट कर्नल कलर को डिस्कस करेंगे, जो कि थ्री पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा होता है, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। और इसी तरीके से ह्यूमन में स्किन कलर को डिस्कस करेंगे, जो कि थ्री पेयर्स ऑफ जीन से कंट्रोल होने वाला एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। वीट कर्नल कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये। कर्नल उस गंदम के दाने की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको कहा जाता है। नेल्सन एली स्टडीड द जेनेटिक्स ऑफ वीट ग्रेन कलर्स। थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब कि सिक्स एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन सिक्स एलील्स की वजह से सेवन डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं कर्नल के कलर में। तो जो दो एक्सट्रीम्स हैं इस कर्नल के कलर में, एक है डार्क रेड जिसके लिए सिक्स डोमिनेंट एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थ्री डिफरेंट जीन्स पेयर्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक जीन पेयर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरे जीन पेयर को हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और तीसरे को हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है डोमिनेंट को। और जो इसका दूसरा एक्सट्रीम है वो वाइट होता है और वाइट के लिए जो यहाँ पे जीन पेयर्स मौजूद होते हैं उनके एलील्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारी रिसेसिव होते हैं और जो डार्क रेड है वहाँ पर जो सिक्स एलील्स है तो वो डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो जीन पेयर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। इनकी पोजीशन और इनके जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो एक्सट्रीम्स के जो पौधे हैं उनका आपस में क्रॉस कर दिया। एक ऐसा पौधा दिया जिसमें डार्क रेड कलर के वीट के कर्नल कलर्स थे और एक ऐसा पौधा लिया जिसपे कर्नल का कलर था वाइट। तो जब इन्होंने गेमीट्स बनाए तो चूंकि ये दोनों एलील सिमिलर है तो यहाँ से एक एलील आ गया, इस वाले पेयर में से एक बी उठकर आ गया कैपिटल बी, क्योंकि सिमिलर थे, यहाँ से एक सी उठकर आ गया। और यहाँ पर भी चूंकि सारे सिमिलर है तो इस ए वाले पेयर में से भी एक स्मॉल ए आ गया, इस बी वाले पेयर में से भी एक स्मॉल बी आ गया और सी वाले में से भी एक स्मॉल सी आ गया। तो इस तरीके से गेमीट्स बन गए। जब ये गेमीट्स कंबाइन हुए, जब पी वन जनरेशन में आपस में क्रॉस किया तो हमारे पास एफ वन जनरेशन में ये जीनोटाइप आ गया। तो मेंडल की लॉस के अकॉर्डिंग इस वाले एफ वन जनरेशन का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किसी एक पेरेंट की तरह होना चाहिए था, या ये इस वाले पेरेंट की तरह होना चाहिए था, या इस वाले पेरेंट की तरह होना चाहिए था। क्यों यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे? क्योंकि एक जीन पेयर में से एक डोमिनेंट मौजूद है, दूसरे जीन पेयर में से भी एक डोमिनेंट मौजूद है, तीसरे में से भी एक डोमिनेंट मौजूद है। तो इसलिए करेक्टर को डोमिनेंट में होना चाहिए था, करेक्टर को डार्क रेड में होना चाहिए था। बट जो फिनोटाइप अपेयर हुआ वो क्या था? वो था इंटरमीडिएट, मतलब इस वाले और इस वाले पेरेंट के दरमियान का करेक्टर अपेयर हुआ और वो था लाइट रेड। तो जब साइंटिस्ट ने इस एफ वन और एफ वन को आपस में क्रॉस किया तो उसे एफ टू जेनरेशन बनी। एफ टू जेनरेशन के ऑस्प्रिंग में जो कर्नल के कलर्स थे उनमें सेवन डिफरेंट वेराइटीज मौजूद थी, सेवन डिफरेंट शेड्स मौजूद थे। उनमें कुछ ऑस्प्रिंग्स ऐसे थे जिनमें डार्क रेड कलर के कर्नल के कलर्स वाले ऑस्प्रिंग्स आ गए थे, कुछ ऐसे थे जिनमें कर्नल का कलर मॉडरेटली रेड था, कुछ में रेड था, कुछ में लाइट रेड, पिंक, लाइट पिंक और वाइट। ये सेवन डिफरेंट कलर्स के जो कर्नल्स थे तो वो आ गए थे उस वीट के एफ टू ऑस्प्रिंग्स में। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एक इंटेंसिटी है, मतलब एक्सट्रीम इंटेंसिटी है, वो डार्क रेड है और जो सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी है तो वो वाइट है। तो जो डार्क रेड है इसके लिए सिक्स डोमिनेंट एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है तो वो तेज हो गई, वो डार्क रेड में चला गया। अब जो मॉडरेटली रेड है उसमें फाइव डोमिनेंट एलील्स मौजूद होते हैं, एक रिसेसिव में चला जाता है। तो वो जो एक रिसेसिव में चला गया है तो उसकी वजह से वो फिनोटाइप इफेक्ट हो गया,
इन फाइव डोमिनेंट ने तो अपना अपना काम किया, लेकिन जो नहीं था, जो रिसेसिव में था, उसकी वजह से वो करेक्टर इफेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम सी को भी रिसेसिव कर सकते हैं, इस वाले बी को भी रिसेसिव कर सकते हैं, ए को भी रिसेसिव कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से जो रेड कलर था वो इसलिए अपेयर हुआ क्योंकि इनमें से सिक्स में से फोर डोमिनेंट थे, तो जो दो रिसेसिव में थे तो वो सी में भी दो रिसेसिव हो सकते थे, बी वाले पेयर में भी दो रिसेसिव हो सकते थे, और एक वाले ए वाले में भी हो सकते थे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन अगर फोर डोमिनेंट होते हैं और दो रिसेसिव होते हैं तो उन दो रिसेसिव का जो काम है वो माइनस हो जाता है और जो कलर है तो वो रेड हो जाता है। और अगर थ्री डोमिनेंट मौजूद होते तो वो तो अपना काम कर लेते हैं, वो थ्री डोमिनेंट अपने अपने काम को परफॉर्म कर लेते हैं, और जो एब्सेंट होते हैं तो उनका काम नहीं परफॉर्म होता, इसलिए फिनोटाइप एक्सप्रेशन होती है लाइट रेड। और पिंक कलर के लिए एनी टू डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी को डोमिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ए और सी डोमिनेंट हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि बी और सी डोमिनेंट हो जाए, तो कोई भी चांस हो सकता है। लेकिन अगर दो डोमिनेंट होते हैं और बकिया चार रिसेसिव हो जाते हैं तो उन रिसेसिव की वजह से कलर चला जाता है पिंक में, और लाइट पिंक के लिए जस्ट एक डोमिनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, या ए रिस्पॉन्सिबल होता है डोमिनेंट, या बी डोमिनेंट हो सकता है, या सी बी डोमिनेंट हो सकता है, और जो वाइट है तो उसके लिए रिसेसिव जो उसके एलील्स है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट शेड्स अपेयर हो जाते हैं F2 में। ये सारे शेड्स क्यों अपेयर हो रहे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स का नंबर उस फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है उस कलर की, जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर कम होता जाता है तो कलर भी कम होता जाता है, और होते होते जब रिसेसिव आ जाते हैं तो कलर वाइट में चला जाता है। अब ये जो वीट के कर्नल के कलर है, इसके लिए एक तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके ऊपर अपना असर रखते हैं। जिस तरीके से लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं ग्रेन के कलर को। क्योंकि अगर एक सेल है उसको जीन्स तो ऑर्डर दे रहा है अपना कलर बनाने के लिए, कलर क्या है, कलर पिगमेंट्स की वजह से होता है, तो वो पिगमेंट्स बनाने के लिए जीन्स तो ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन सेल किसी चीज़ ही से तो पिगमेंट बनाएगा। अगर उसके पास अपना स्टफ मौजूद ना हो, उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ना हो, वाटर ना हो, उसके पास लाइट की इंटेंसिटी सही नहीं हो, तो फिर तो वो पिगमेंट नहीं बन सकेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी असर होता है उस फिनोटाइप की जो अपेयरेंस है या जो जीन्स है उसको एक्सप्रेस होने में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी असर होता है। तो ये हमने समझा कि ग्रेन का कलर किस तरीके से बीच में वेरिएशंस उसमें आ सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्किन कलर को, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। हमारे स्किन में एपिडर्मस के बेस पे, जो हमारी सबसे बाहर की स्किन की लेयर है एपिडर्मस, उसके बेस पे सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं मेलेनोसाइट्स। ये मेलेनोसाइट्स एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेलेनिन। तो ये मेलेनिन हमारी स्किन के सेल्स को कलर देता है। जितना ज़्यादा बॉडी के जो स्किन सेल्स हैं उनमें मेलेनिन प्रेजेंट होता है, उतनी ही स्किन की कम्प्लेक्शन डार्क होती है, और अगर मेलेनिन कम है स्किन के सेल्स के पास तो कलरेशन फेयर में जा रही होती है। थ्री पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस तरह वीट में हमने जिक्र किया कि सिक्स एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन सिक्स एलील्स की वजह से सेवन डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं स्किन के। तो जो थ्री डिफरेंट जीन पेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनमें से एक को हम कह देते हैं जीन ए, दूसरे को हम कह देते हैं जीन बी, और तीसरे को हम कह देते हैं जीन सी। अब यहाँ पे उस स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए ये थ्री जीन पेयर्स हैं, और इनमें से हर एक जीन का अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है उस फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए। जो जीन ए है वो मेलेनोसाइट के सर्वाइवल, यानी उसको ज़िंदा रखने में हेल्प करता है, प्रोलिफरेशन मतलब उसके डिवीजन में हेल्प करता है, और उसकी माइग्रेशन, जहाँ पे उसने कलर देना है वहाँ तक ये माइग्रेट हो जाए, इस चीज़ में जीन ए हेल्प कर रहा होता है। और जीन बी क्या करता है, ये एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं टाइरोसाइनेज। ये टाइरोसाइनेज टाइरोसिन, जो कि एक एमाइनो एसिड है, उसको कन्वर्ट कर देता है मेलेनिन में। तो मेलेनिन को बनाना ये जीन बी का काम होता है। और जीन सी क्या करता है, जीन सी ये डिटरमिन करता है, जीन सी ये डिसाइड करता है कि मेलेनिन की कौन सी टाइप बनेगी। मेलेनिन की डिफरेंट टाइप्स होती है, लेकिन कौन सी टाइप बनेगी
इसका डिसीजन जीन सी लेता है. डिटर्मिन वेदर फ्यूमेलेनिन आर यू मेलेनिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन. जो फ्यूमेलेनिन है वो मेलेनिन की वो टाइप है जो कि रेडिश टू येलो कलरेशन दे रहा होता है. जिस तरीके से हमारे लिप्स होते हैं तो वो पिंकिश रेड होते हैं, तो अब वहाँ पे जो मेलेनिन प्रेजेंट है तो वो फ्यूमेलेनिन होता है. और जो हमारी स्किन को कलर दे रहा होता है या जो हमारे बालों को कलर देने वाला मेलेनिन होता है तो वो एक्चुअली यू मेलेनिन होता है. क्योंकि स्किन का कलर ब्राउन होता है या ब्लैक होता है तो उसके लिए यू मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है. मतलब कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स का कलर एक जैसे नहीं होता. बालों का कलर ब्लैक होता है, किसी किसी में वो येलोविश भी जा सकता है, तो फिर उसमें फ्यूमेलेनिन प्रेजेंट होगा. जिसके बालों का कलर ब्लैक है तो उसमें ह्यूमेलेनिन प्रेजेंट होगा. अब स्किन का कलर हमारा ब्राउन होता है तो उसके लिए ह्यूमेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है. लिप्स में फ्यूमेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जीन्स ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी टाइप बनती है. तो इन थ्री जीन्स का अपना अपना काम होता है. जीन ए मेलेनोसाइट की डिवीजन करता है, उसको सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसकी माइग्रेशन में हेल्प करता है. जीन बी मेलेनिन को बनाता है और जीन सी ये डिटरमिन करता है कि फ्यूमेलेनिन बनेगा या ह्यूमेलेनिन बनेगा. तो ये हमने जीन के रोल को डिस्कस कर लिया. अब हम कहते हैं कि अगर इस तरीके से हो जाए कि एक डार्क स्किन जो कि एक एक्सट्रीम है इस करेक्टर का, अगर वो क्रॉस कर लें एक प्योर वाइट पेरेंट के साथ, तो ये जो डार्क स्किन है इसके लिए 6 डोमिनेंट एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो प्योर वाइट है इस किस्म की स्किन कलरेशन के लिए 6 रिसेसिव एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अगर ये आप इसमें क्रॉस करते हैं तो इनके F1 ऑफस्प्रिंग में ऐसे करेक्टर्स वाले, ऐसे कलर, ऐसे स्किन कलर वाले बच्चे आ जाएंगे जिनमें लाइट ब्राउन स्किन का कलर होगा. इस तरीके से इनका जीनोटाइप होगा. हर एक पेयर में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट यहाँ से लिया होगा और रिसेसिव यहाँ से लिया होगा. इस वाले पेयर में से भी डोमिनेंट यहाँ से लिया है, रिसेसिव यहाँ से लिया है. सी वाले में से भी एक कैपिटल सी यहाँ से लिया है, स्मॉल सी यहाँ से लिया है. तो अगर मेंडल होता तो वो तो ये कह देता कि इसका फिनोटाइप किसी एक पेरेंट की तरह होगा, लेकिन इसका फिनोटाइप तो एक पेरेंट की तरह नहीं है, बल्कि वो तो एक न्यू वेराइटी आ गया है. वो क्या बन गया है, वो इन दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट बन चुका है. वो लाइट ब्राउन कलरेशन के साथ आ गया है. और ऐसे बच्चे को जो कि बनता है, जो कि पैदा होता है एक डार्क स्किन कम्प्लेक्शन वाले पेरेंट से और एक प्योर वाइट कम्प्लेक्शन वाले पेरेंट से, तो उसको हम कहते हैं मुलेटो. तो मुलेटो के जो स्किन है उसका कलर होता है लाइट ब्राउन. और अगर हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कर दें, अगर हम दो इस तरीके से लाइट ब्राउन और लाइट ब्राउन वाले पेरेंट्स का आपस में क्रॉस कर दें, तो जो F2 जनरेशन है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे स्किन के. डार्क ब्राउन, मॉडरेटली डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, पिंकिश ब्राउन, वाइटिश ब्राउन या प्योर वाइट. अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो दो एक्सट्रीम है, एक उसमें डार्क ब्राउन है और दूसरा उसमें प्योर वाइट है, तो ये दो एक्सट्रीम्स हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है पॉपुलेशन में. और जो मिड का है, यानी कि जो इंटरमीडिएट वाला है लाइट ब्राउन, इस वाले स्किन कलर के जो लोग हैं तो वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. एक्सट्रीम्स वाले कम होते हैं और जो दरमियाने करेक्टर्स के हैं तो वो ज़्यादा होते हैं. इसके लिए हम एक प्लॉट भी, जो ग्राफ है, तो वो ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पे मैंने इनको 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इन सारों को. तो यहाँ पे हम कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम उसकी फ्रिक्वेंसी को. तो ये वाला है एक एक्सट्रीम, ये वाला है दूसरा एक्सट्रीम, ये प्योर वाइट और वो डार्क ब्राउन. तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाता है. जो मिड का करेक्टर है, यानी कि इंटरमीडिएट करेक्टर, लाइट ब्राउन, तो इस कलर के स्किन कम्प्लेक्शन ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है. दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो कि या तो डार्क ब्राउन स्किन कम्प्लेक्शन के साथ हो या बहुत इंतहाई फेयर हो, ऐसे लोग कम होते हैं. लेकिन जो लाइट ब्राउन स्किन कम्प्लेक्शन वाले होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं. अब जिस तरीके से अगर हम इंटेलिजेंस को ले लें, तो दुनिया में इंतहाई ब्रिलियंट लोग, ऐसे लोग जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग भी कम होते हैं. और ऐसे लोग भी कम होते हैं जिनका IQ लेवल इंतहाई कम होता है. बल्कि ज़्यादा क्या होते हैं, आबादी में कौन से लोग ज़्यादा होते हैं? ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जिनका एक नॉर्मल IQ लेवल होता है, ना बहुत ज़्यादा शार्प ना बहुत ज़्यादा स्लो, बल्कि इंटरमीडिएट जो करेक्टर होता है तो वो आबादी में ज़्यादा होते हैं.
अब आबादी में ऐसे लोग भी कम होते हैं जिनका कद इंतहाई छोटा होता है, ऐसे लोग भी कम होते हैं जिनका कद इंतहाई ज़्यादा लंबा होता है, बल्कि कॉमन क्या होता है आबादी में, जो इंटरमीडिएट करेक्टर्स हैं, जो मिड के करेक्टर्स हैं, तो वो ज़्यादा अपेयर हो रहे होते हैं। तो ये हमने समझा ह्यूमन में स्किन कलर को, कि हमारी स्किन में सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं, मेलेनिन की प्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए थ्री जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारी स्किन का कलर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने कितने डोमिनेंट जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हुए होते हैं। अगर हमने ज़्यादा जीन्स ले लिए हैं अपने पेरेंट्स से तो हमारी स्किन का कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, अगर हमने कम जीन लिए हुए होते हैं तो हमारी स्किन का कम्प्लेक्शन जो है वो स्लो होता जाता है, कम होता जाता है। और ह्यूमन में भी जो स्किन कलर है, तो ऑल्दो कि वो तो जीन से कंट्रोल हो रहा होता है, बट उन पर भी, इस करेक्टर पर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट होता है। जिस तरह हम सनलाइट को ले लेते हैं, स्किन की कम्प्लेक्शन जीन्स पे भी और सनलाइट पर भी डिपेंड कर रही होती है। जो लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सनलाइट को, तो उनकी स्किन की कलरेशन डार्क हो जाती है, क्योंकि यूवी रेडिएशन की वजह से भी हमारे स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हम इंटेलिजेंस को ले लें, तो इंटेलिजेंस तो जीन से कंट्रोल हो रहा होता है, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है तो उसकी वजह से आपके जीन्स की एक्सप्रेशन तेज़ हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस जो है तो वो खुल कर सामने आती है। जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होता है, मतलब दोनों चीज़ों का इफेक्ट होता है, आपके इन्वायरमेंट का भी और आपके जीन्स का भी इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो ये वाले हैं F1 जनरेशन में जो ऑस्प्रिंग है, जब ये गेमीट्स बनाते हैं तो वो गेमीट्स बनते कैसे हैं, या कितनी उनमें वेराइटीज आ सकती है, कितने टाइप के गेमीट्स बनते हैं, तो थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हमने डिटेल में देख लिया है, वीट के कर्नल कलर में और ह्यूमन के स्किन कलर में। बस थोड़ा सा हल्का सा आपको ये बताती हूँ कि गेमीट्स किस तरह बनते हैं। F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि P2 जनरेशन, ये वाले, ये 8 डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बनाते हैं, और उन 8 गेमीट्स जब वो कंबाइन हो जाते हैं दूसरे 8 गेमीट्स के साथ, तो 64 डिफरेंट वेज ऑफ जेनेटिक कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन हम इसको 64 डिफरेंट वेज से आपस में नहीं कंबाइन करेंगे, हम जस्ट ये सीखेंगे कि गेमीट्स बनते कैसे हैं, मतलब किन किन कम्बिनेशन के साथ बन सकते हैं, 8 गेमीट्स ही बनते हैं। तो उसमें हम इस तरीके से डब्बे डब्बे बना देते हैं, बॉक्सेस बना देते हैं, या कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखेंगे, यहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखेंगे, कैपिटल सी और स्मॉल सी लिखेंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम ए लिखेंगे और ये कैपिटल ए लिखेंगे, और एक दफ़ा स्मॉल ए लिखेंगे, और यहाँ पे हम इस वाले के साथ बी लिखेंगे कैपिटल, और एक स्मॉल बी लिखेंगे, इस वाले के साथ भी एक कैपिटल बी लिखेंगे और एक स्मॉल बी लिखेंगे। अब जो सी का बॉक्स आ जाएगा, तो हमने हर एक के साथ एक कैपिटल सी लिखना है, एक स्मॉल सी लिखना है। इस वाले बी के साथ भी हम एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, यहाँ पर भी इस वाले बी के साथ हम एक कैपिटल सी स्मॉल सी, इस स्मॉल बी के साथ भी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो अब हम इसको जब कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करेंगे, ये कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एक गैमेट, ये एक पॉसिबिलिटी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, कैपिटल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, तो ये एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, ये वाली। अब यहाँ पे स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ये इस तरीके से 8 डिफरेंट गेमीट्स बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि जो गेमीट्स हैं F1 जनरेशन में, मतलब कि जब वो P2 बन जाते हैं तो वो गेमीट्स कैसे बनाते हैं। और जब हम इस तरह लिखते हैं इन गेमीट्स को, मतलब जब हम एलील्स को लिखते हैं ताकि उनसे गेमीट्स बना सके, तो इस वाले मेथड को हम कहते हैं फॉक लाइन मेथड, क्योंकि वो फॉक की तरह है, कांटे की तरह होता है, इस तरीके से उसमें हम एरोज निकाल रहे होते हैं। तो ये हमने समझा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। इसके ऊपर एक लॉन्ग नोट आता है, आपसे कहा जाता है कि या तो इसको एक्सप्लेन करें वीट के कर्नल के कलर से या ह्यूमन स्किन कलर से। आप एक को समझ लो, एक को अच्छे तरीके से समझ लो, तो दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि दोनों जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है ह्यूमन में या वीट के ग्रीन कलर में, तो दोनों एक ही जैसी है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।